हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिम की डाइट के बारे में बताएंगे। ये है हमारे सुमित भैया। हेलो सुमित भाई, हाय। हेलो सुमित भैया, एक बार जरा हमें और हमारे दर्शकों को सिर्फ ये बता दो, एक बार आप एक्सरसाइज करने के बाद डाइट क्या लेते हो? मेरा सर स्टार्टिंग से शेड्यूल शुरू हो जाता है, आने से पहले ही मेरा डाइट स्टार्ट हो जाता है। जब मैं यहाँ जिम से आता हूँ, सबसे पहले मैं गर्म पानी लेता हूँ। गर्म पानी जरूरी है आपका डाइजेशन वगैरह इंप्रूव रखने के लिए, आपका सर्कुलेशन रखने के लिए सही है। गर्म पानी जरूर पीना चाहिए सुबह उठने के साथ ही। और सुबह उठने के बाद फिर मैं यहाँ पर आने से पहले एप्पल खाता हूँ, कार्ब्स को लोड करता हूँ, ताकि मेरी जो हार्डकोर वर्कआउट करने की जो इंटेंसिटी है वो उससे बिल्कुल सही रहे, मतलब कि कहीं थकूँ ना, कहीं ज़्यादा कुछ ना हो। एज ए फ्यूल मैं यूज़ करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैं एप्पल खाता हूँ। मैं बनाने के लिए यूज़ नहीं करता, बिकॉज दे कंटेन फैट, सो इसलिए मैं बनाना भी यूज़ नहीं करता। बट जिनको गेनिंग करनी है वो बनाना डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और क्या जिम करने के बाद क्या लेते हो? मतलब ये तो आने से पहले बताया आपने, जैसे जिम कर ली तो जिम करने के बाद क्या होना चाहिए? जिम करने के बाद जब मैं यहाँ से जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने काले चने लेता हूँ, देसी डाइट काले चने पर एलमंड्स खाता हूँ। अगर उनके साथ अगर उनको आप खाते हो तो आपको अपना वर्कआउट को इंटेंस करना होगा, क्योंकि वो भी स्लाइटली अमाउंट ऑफ फैट कंटेन करते हैं। इसलिए अब जब भी सब वेजिटेरियन डाइट का यूज़ करें तो अपने जो वर्कआउट है उसे थोड़ा इंटेंस करें, ताकि जो आपका जो फैट है वो तेज़ी से बर्न हो और ज़्यादा जल्दी से स्टोर ना हो पाए। जब मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एक दो घंटे बाद अपना नॉर्मल दलिया लेता हूँ। ये सब मैं वो डाइट बता रहा हूँ जो मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही है कि मेरा 100 रुपये में पूरा दिन का हो जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो उसके बाद हमारा दलिया हो जाता है, वो तो घर का कोई भी लोग खाते हो तो घर में ही बनता है, तो आप उसके बाद दलिया लें। और जब आपका दलिया हो जाए उसके एक घंटे बाद, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे ले सकते हैं और उसके साथ स्वीट पोटैटो ले, स्वीट पोटैटो नहीं तो नॉर्मल पोटैटो ले लो, क्योंकि प्रोटीन एंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन ही मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। उसके बाद जब आपका ये हो जाए, तो आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर को यूज़ करें। तो अगेन आई एम सेइंग, अगर पनीर आप यूज़ कर दें तो वर्कआउट को थोड़ा इंटेंस करें, क्योंकि पनीर भी फैट कंटेन करता है, क्योंकि वो क्लास वन प्रोटीन में नहीं आता। सुमित भैया, एक बार हमारे चैनल को लक्की हुड्डा को एक बार सब्सक्राइब करने के लिए हो। गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लक्की हुड्डा चैनल। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी वीडियोस आगे फ्यूचर में बनाएंगे हमारे लिए। ओके थैंक यू, हाय बोल दो एक बार। हाय। हेलो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि सुमित भैया ने हमें बताया कुछ, अब अजय भैया भी हमें कुछ बताने जा रहे हैं। इनके भी वो सुन ले लीजिएगा। अजय भैया, लक्की हुड्डा, हाय गाइस, प्लीज लक्की हुड्डा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके अजय भैया, एक बार ये और बता दीजिए, आप एक्सरसाइज करने के बाद डाइट क्या लेते हो? एक्सरसाइज करने के बाद गाइस, आप यहाँ से निकलते हो, जिम से निकलते हो, एक्सरसाइज करिए, अपने एक गिलास निकलते ही जूस ले लो, ठीक है गाइस। घर पहुँचे धीरे धीरे, घर हम जाते हैं, घर पे जाते हैं नॉर्मल, अपने अंडे हो गए चार अंडे ले सकते हो, उसके साथ थोड़ी देर बाद एक गिलास दूध ले सकते हो। फिर अपने जो भी है, अपने जो जॉब करने वाले हैं, जो जाने वाले हैं गाइस, जैसे बताया मैंने, आप जिम से जाने के बाद एक गिलास जूस लें, जूस लेने के बाद हम घर जाते हैं, बॉयल अंडे हो जाते हैं हमारे घर पे, बॉयल अंडे लें चार, बॉयल अंडे खा लें, उसके बाद 2-4 मिनट 10 मिनट का गैप दें, एक गिलास दूध पी लें। फिर अपने लिए अपने बाकी नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बस 2 रोटी खाने को मिल सकते हैं, 2 रोटी खा लें, दलिया खा लें गाइस। ये देसी डाइट है, इसमें कोई बाहर की डाइट इन्वॉल्व नहीं करनी, बस अपने जो देसी ले सकते हैं वो लें। अपने लंच हो गया, लंच में गाइस अपने राइस ले जा सकते हैं, राइस ले जाएं, अगर नॉनवेज खाते हो उसके साथ नॉनवेज ले सकते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो तो उसके साथ सोयाबीन आती है अपनी, सोयाबीन बॉइल करके आप राइस के साथ खा सकते हो। वैसे आ जाती है अपनी शाम की डाइट, अपने आगे अपने 6-7 बजते आप 4 अंडे ले सकते हो, 4 अंडे, फिर आगे अपना 4 अंडे ले सकते हो, अपने जूस वगैरह ले, जूस नहीं दूध ले सकते हो, दूध मिल जाए तो ठीक है। तो शाम का अपना आ जाता है डिनर में गाइस, अगर आप अपना हो गया लंच, हो गया लंच करा आपने, शाम को डिनर हो गया, डिनर में आप फिर वही आ जाता है, चिकन खा सकते हो तो चिकन, उसके साथ 2 रोटी या 4 रोटी और अपना सलाद, यही है नॉर्मल डाइट, ये
अपनी नॉर्मल है, जो अपना नॉर्मल बंदा खा सकता है, इतनी डाइट मेंटेन कर ले तो ठीक है। ओके अजय भैया, थैंक यू आपको डाइट के बारे में बताने के लिए, हमें थैंक यू, धन्यवाद। एक बार और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें भाई, भाई मेरे सारे दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, लक्की हुड्डा अपने आगे बढ़ाएं। थैंक यू भैया। अच्छा, दुकान का सेट आउट कर रहे हैं हम, दुकान में भाई 2,500 रुपए की सेल आ रही है, 2,500 रुपए 18,000।